हेलो गाइज, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच जो सेकंड T20 होने वाला है, आखिरी ही मैच है ये इंडिया आयरलैंड के साथ इस सीरीज़ का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। जैसे लास्ट मैच में बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की, तो देखो हमने जो टीम दी थी आपको, ना हमने इसमें सूर्य कुमार को लिया था, ना ही हमने गायकवाड़ को लिया था। हुडा था हमारे पास, ट्रैक्टर था हमारे पास, और यहाँ से अच्छी खासी हमने क्लीन स्वीप यहाँ पर की थी। तो इसी तरीके से आपको आज की वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होती तो मैंने ग्रैंड लीग में भी आपको ट्रैक्टर सजेस्ट किया था कैप्टन का, आगे आपको बताऊंगा अभी। तो अगर आप लोग सुन लेते उस दिन भी तो आप अच्छा खासा यहाँ से विन कर सकते थे, बिकॉज फर्स्ट रैंक लाना बहुत ईजी हो गया था 12 ओवर के मैच में। ठीक है, बात करते हैं गाइस इसकी वेन्यू की, तो सेम वेन्यू रहेगा देखो जो लास्ट मैच में था। लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो तो सोनी 6 पे देख सकते हो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी हो सोनी लिव का जो एप्लीकेशन है उस पर देख सकते हो, वेबसाइट पर देख सकते हो। बात करें गाइस गिव अवे की, तो इस मैच में गाइस आपको टोटल 50,000-60,000 की गिव अवे मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको काफ़ी सारा बेनिफिट देखे जाएंगे, वो फ्री में आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से गाइस आप देखो, सबसे पहला गिव अवे 10,000 का है टोटल, ये स्पोर्ट्स ही एप्लीकेशन के ऊपर है, काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है, लोएस्ट एंट्री फी के वाला, और इसका जो UI है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपको अगर ट्राई करना हो तो लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। 10,000 का गिव अवे गाइस इस पर है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। दूसरा गिव अवे हमारा है गाइस विजन 11 पर, 25,000 टोटल का गिव अवे, फर्स्ट प्राइज़ है 2,000 और बाकी रैंक पर भी प्राइज़ है, तो इसको भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो दो टीम के साथ। तीसरा गिव अवे जो हमारा है वो 5,000 का है, इसको आप दो टीम के साथ बैटबॉल 11 के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हो, फर्स्ट प्राइस इसमें 1,000 है और अदर रैंक्स पे भी है। चौथा जो हमारा गाइस गिव अवे है वो है फैंटाफीट के ऊपर, इसमें भी गाइस आप दो टीम फ्री में डाल सकते हो, 5,000 रुपये पूल है इसका टोटल और फर्स्ट प्राइज़ जो है उसका 1,000 है। और जो हमारा गाइस लास्ट गिव अवे यानी पाँचवा गिव अवे वो भी 5,000 का है 11 चैलेंजर्स एप्लीकेशन के ऊपर, इसमें फर्स्ट प्राइज़ 1,100 रुपये है, और इसकी अच्छी बात क्या है, इसमें सिर्फ 8,000 लोग आएंगे और 8,000 भी पूरे नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे बेनिफिट कर सकते हो। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो, सारे कन्फर्म्स गिव अवे हैं, अगर भरे चाहे ना भरे गिव अवे पूरे होंगे, जो प्राइज़ है वो आपको पूरा दिया जाएगा। तो सबसे पहले गाइस आप यहां से देखो, हेड टू हेड में इंडिया ने चार मैच जीते, आयरलैंड ने एक मैच भी नहीं जीता है। जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं, पास्ट में जो इंडिया ने खेला है ये स्क्वाड नहीं होगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि इंडिया का टेम्परामेंट किस तरीके का रहता है जब वो आयरलैंड के अगेंस्ट खेलते हैं। तो जो इंडिया का लोएस्ट स्कोर है, सबसे कम स्कोर इंडिया जो बना पाई थी वो 213 था, एवरेज स्कोर 210 था, हाईएस्ट 213 था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लोएस्ट और हाईएस्ट इंडिया का 213 है, तो इंडिया का टेम्परामेंट काफ़ी हाई होता है जब आयरलैंड के अगेंस्ट खेलती है। वही आयरलैंड की बात करें जब इंडिया के अगेंस्ट खेलती है, तो देखो हाईएस्ट स्कोर 132 था और लोएस्ट इनका 70 पे ऑल आउट थी टीम, तो ये इनका टेम्परामेंट होता है जब इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं। तो ये गाइस पास्ट के स्क्वाड है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। लास्ट जो 3 हेड टू हेड मैच हुए थे, हालांकि इनमें गाइस कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो पहले खेल चुका है, लेकिन जो हमारा अभी रिसेंट स्क्वाड है वो भी काफ़ी सही है, IPL खेल के आ रहे हैं, सब टैलेंटेड बंदे हैं अपने भी, और आयरलैंड के भी स्क्वाड में कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं गिनती के। तो यहाँ से देखो, जब पहले इंडिया ने खेला था तो 213 किया इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर, आयरलैंड वहीं 70 पे कोलैप्स हो गया था। फिर दूसरा मैच जो था उसमें इंडिया ने 208 किया 5 विकेट के नुकसान पर, आयरलैंड 132 पे कोलैप्स हो गया था। फिर जो यहाँ से आयरलैंड ने 112 करा था 8 पे कोलैप्स हो गया था, वहाँ इंडिया ने 113 2 विकेट के नुकसान पर जीत लिया था। तो ये था पास का परफॉर्मेंस। इस वेन्यू के ऊपर बात करते हैं, तो इस वेन्यू के ऊपर आप सबसे पहले देखो कि इंडिया ने यहाँ पर 3 मैच खेले हैं, लास्ट का मिला के इंडिया ने यहाँ पर तीनों ही मैच अपने जीते हैं। आयरलैंड जिसका खुद की कंट्री में है ये, लेकिन आयरलैंड यहाँ पर 10 में से सिर्फ 3 मैच जीत पाया है। बात करें लास्ट 3 मैच की इस वेन्यू के ऊपर, तो 22 विकेट मिले थे पेसर्स को, 21 विकेट मिले थे यहाँ पर स्पिनर्स को, तो लगभग इक्वल बैलेंस यहाँ पर था। लेकिन लास्ट मैच की बात करें जो हुआ था 12 ओवर का इसी वेन्यू पे बारिश की वजह से, तो उसमें देखो क्या हुआ था, 108 बने थे यहाँ पर आयरलैंड ने बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। वही फर्स्ट इनिंग में देखो क्या हुआ था, राइट आर्म मीडियम फास्ट को मिले थे 3 विकेट, लेग स्पिनर को मिला था 1। दूसरी इनिंग में लगभग सेम हुआ था, राइट आर्म फास्ट मीडियम को मिले थे 2, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को मिला था 1। यानी वो तो 12 ओवर का मैच था तो उसमें ज़्यादा स्कोप था, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये विकेटिंग थी लास्ट मैच की, इसके हिसाब से आप ग्रैंडली की टीम बना सकते हो कि आपके पास यहाँ से लेग स्पिनर इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेसर्स भी यहाँ पर टोटल 6 विकेट ले जा चुके हैं लास्ट के मैच में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। बात करेंगे इस यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो आपको देखो कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम के ऊपर डालोगे बेस्ट फैंटेसी टिप्स TIPSS, ये गाइज आपको डालना है, आपको गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। ये गाइज हमारा लोगो है, फ्रेश है, मैंने अभी अपडेट किया है, तो आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, आपको काफ़ी सारी वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है। यहाँ से हम गाइज बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो आयरलैंड की तरफ से देखो पॉल स्टेरलिंग ओपनिंग करेंगे, एंडी बेलब्राइन के साथ गैरेट डेलानी दिखेंगे, हैरी ट्रैक्टर दिखेंगे, लोरकान टकर
जॉर्ज डॉकरेल, मार्क एडायर राइट आर्म फास्ट है, जो एंडी बैकब्राइन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, क्रेज यंग राइट आर्म मीडियम फास्ट है, जोश लिटिल लेफ्ट आर्म फास्ट और कॉनर ऑलफेट राइट आर्म फास्ट मीडियम। ये था इनका लास्ट मैच का स्क्वाड प्लेइंग 11 था। इंडिया की बात करें, दीपक हुडा ने ओपनिंग करी थी, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर भी, अगर जरूरत पड़ी तो एक आध ओवर करा सकते हैं, लेकिन बॉलिंग के चांसेस ऑलमोस्ट 1% ही है। ईशान किशन, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, भूवी राइट आर्म मीडियम, आवेश खान राइट आर्म मीडियम फास्ट, युजवेंद्र चहल लेग स्पिनर, उमरान मलिक राइट आर्म मीडियम फास्ट। अब बात करते हैं जो लोग सोच रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर कैसे आ गए, तो हो सकता है फर्स्ट मैच में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया हो और जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे पास्ट के उनको ही आगे भेजा हो, तो इस वजह से ऋतुराज को काफ़ी नीचे कर दिया था। हालांकि आज मैं पूरी होप कर रहा हूँ कि ऋतुराज यहाँ पर खेल सकते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, अगर नहीं खेलते हैं तो दीपक हुडा तो ज़रूर टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलेंगे ही। बात करें यहाँ से, क्योंकि देखो सीरीज़ के हिसाब से होता है यार, सामने आपके थोड़ी सी स्लाइट कमज़ोर टीम है आपसे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप जो है अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर को कर सकते हो। बात करें कैसे इस वेन्यू के ऊपर, तो देखो इंडिया की तरफ से दीपक हुडा ने 47 नॉट आउट की शानदार पारी खेली थी, किशन ने 26 किया, सूर्य 0 पे LBW हो गए थे, हार्दिक 24 पे LBW हो गए थे, लेकिन हार्दिक ने एक विकेट भी लिया था, दिनेश कार्तिक 5 नॉट आउट रहे थे, बाकी गायकवाड़, अक्षर पटेल इनका कोई परफॉर्मेंस था नहीं, उमरान मलिक विकेटलेस, चहल ने एक विकेट निकाला, आवेश ने एक, भूवी ने एक विकेट निकाला। तो ये था लास्ट मैच का परफॉर्मेंस। बात करते हैं पूरा स्क्वाड, आपको अगर कोई प्लेयर नया खेल रहा हो इंडिया के स्क्वाड में तो उसका फॉर्म यहाँ से देख लेना, आयरलैंड के स्क्वाड में कोई नया खेल रहा हो तो उसका फॉर्म यहाँ से देख लेना। बात करें इस आयरलैंड की इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस की, तो देखो एंड्रयू बेलब्राइन ने इस वेन्यू के ऊपर 45 किया, 31 किया, 20 किया, 18 किया, 1 किया पहली पारी में, दूसरी पारी में 64 किया, 32 नॉट आउट रहे, 22 किया, 11 किया, 9 किया और फिर से 9 किया, लास्ट मैच इस वेन्यू के ऊपर 0 पे गए थे इंडिया के सामने। हैरी टक्टर ने इस वेन्यू पर पहले 60 किया था, दूसरी पारी में 36 किया, 21 किया, तो कंपेयर टू अदर्स हैरी टक्टर ने यहाँ पर अच्छा किया था, इसलिए मैंने हैरी टक्टर को अपनी स्मॉल लीग की टीम में लिया था लास्ट मैच में, उसने 64 भी करके दिया, तो अपने जो ट्रस्ट किया था उस पर खरा उतरा बंदा। गैरेट डेलानी 5 मैच में 5 विकेट ने इस वेन्यू के ऊपर, पहली पारी में 37 किया, 25 किया, 12 किया, 9 किया, दूसरी पारी में 52 किया, लास्ट मैच में इस वेन्यू के ऊपर इंडिया के सामने 8 किया था। पॉल स्टेलिंग की बात करें तो बंदे वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अटका है थोड़ा बहुत। आप देखो इस वेन्यू के ऊपर पहली पारी में 18 किया है सिर्फ, दूसरी पारी में 55, 34, 6, 1, 0 और लास्ट मैच में इस वेन्यू के ऊपर इंडिया के सामने 4 किया था। कुर्टिस कैंपर इस वेन्यू पर खेले नहीं है, स्टेफन डोनी इस वेन्यू के ऊपर खेले नहीं है। लोरकान टकर की बात करें तो इस वेन्यू के ऊपर पहली पारी में देखो 4 बार खेले, 12 किया, 10 किया और 2 बार 0 पे नॉट आउट रहे हैं, लास्ट मैच में इंडिया के सामने 18 किया था। मार्क अडेर इस वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 13 रन है और 6 विकेट हैं, 1 मैच में विकेटलेस भी गए थे। जॉर्ज डॉकरेल इस वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 8 विकेट हैं, 24 रन है और 5 मैच यहाँ पर विकेटलेस भी जा चुके हैं, कह सकते हैं 5 मैच में ही इन्होंने 8 विकेट निकाले थे, 5 मैच पूरे विकेटलेस गए थे और इंडिया के अगेंस्ट लास्ट मैच में इस वेन्यू के ऊपर 4 नॉट आउट रहे थे। बात करें जोशुआ लिटिल की, जे लिटिल अच्छा परफॉर्मेंस है इस वेन्यू के ऊपर, पहली पारी में 2 विकेट निकाले, दूसरी पारी में 1 विकेट निकाला, लास्ट के मैच में इंडिया के सामने 1 विकेट इन्होंने निकाला था। एंडी मैकब्रायन की बात करें, इस वेन्यू के ऊपर 2 विकेट निकाले दूसरी पारी में, यहाँ पर बैरी मकार्थी ने इस वेन्यू पर 2 मैच में 1 विकेट निकाले, कॉरेन ऑलफेट इस वेन्यू पर कभी खेले नहीं है, क्रेज यंग जो लास्ट मैच में 2 विकेट लेके गए थे इंडिया के अगेंस्ट, उन्होंने इस वेन्यू पर 5 मैच में 3 विकेट निकाले, 2 मैच विकेटलेस भी गए हैं। बात करेंगे इस यहाँ से ग्रैंड लीग में कंसिडरेशन की, सॉरी, तो यहाँ से आप देखो अगर इंडिया की इंडिया जो है वो पहले बॉलिंग करे तो आप एक किसी बॉलर को जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि एक मतलब दो एक से ज़्यादा ही विकेट लेगा तो उसको आप कैप्टन कर देना, बैटर को वाइस कैप्टन कर देना, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि टोटल जो है आयरलैंड कम बना पाए शायद, एक सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है ये, अगर आयरलैंड कम टोटल बना पाए तो यहाँ से जो बैटर है इंडिया का जो चेस करेगा वो उतने पॉइंट नहीं दे पाएगा जो आपको यहाँ से बॉलर 2-3 विकेट में अपने दे सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो किसी बैटर को जिसके आपको ट्रस्ट हो, ओपनर किशन वगैरह या जो भी, उसको कैप्टन दे देना, वाइस कैप्टन बॉलर को आप वाइस कैप्टन दे सकते हो, ग्रैंड लीग में इसका अपोजिट भी कर सकते हो। तो ये दो सिनेरियो तो मैंने आपको दे दिए, ये दो सिनेरियो के दम पे आप कम से कम अपने 6-8 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बाकी के कॉम्बिनेशन आप थोड़ा सा मेन्यू परफॉर्मेंस देख के बना लेना। सॉरी गाइस, बात करें गाइस यहाँ से जो एक्सचेंज 22 गाइज एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे गाइज कमेंट सेक्शन में ही आपको सारी लिंक्स मिलेंगी जो भी होंगी, तो आपको जो अभी गिव अवेज बताएं वो प्लेटफॉर्म्स की लिंक मिल जाएगी और एक्सचेंज 22 की भी लिंक वहाँ पर दे दूंगा। एक्सचेंज 22 गाइज एक फैंटेसी स्टॉक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप शेयर खरीद सकते हो प्लेयर के
और यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो जिनको अगर जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया उनको एक्सपीरियंस करना है तो आप एक काम करना, साइन अप कोड अपना दे दूंगा, रेफरल कोड ये डाल देना साइन अप करते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पर जो बैंक और पैन कार्ड वेरीफाई कर लेते हो तो आपको 25 रुपये हमारी तरफ से मिल जाएगा। जैसे ही आपको 25 रुपये मिले तो आप यहाँ पर खेल के देख सकते हो। बात करें इस मैच की पिक की, तो देखो लास्ट मैच में जो पिक्स दिए थे मोस्टली प्रॉफिटेबल गए थे, तो वही पिक मैं आपको आज के मैच में फिर से देने वाला हूँ। भूवी को खरीद सकते हो, सूर्या को खरीद सकते हो, मकार्ती को खरीद सकते हो, डेलानी को, क्रेज यंग रिस्की। देखो लास्ट मैच में अगर खरीदा होता तो 2 विकेट वो लेके गया था बंदा, और बहुत सस्ता था उस पर, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गया था। मार्क एडायर और यहाँ से बेल ब्राइन, ये प्लेयर्स को गाइस आप यहाँ से खरीद सकते हो। इसमें एंडी बैकब्राइन का भी नाम आप शामिल कर सकते हो, तो ये प्लेयर्स को आप एक्सचेंज 20 के ऊपर खरीद सकते हो। बात कर लेते हैं हमारी स्मॉल लीग टीम की। चलो गाइस, स्मॉल लीग टीम आपको मैं फाइनल डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी जिससे भी मैं जाऊंगा तो आपको करा दूंगा। लेकिन आपको गाइस ये वीडियो ज़रूर देखनी है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उठा लेनी है, क्योंकि फिर आपको खुद से पता रहेगा कि कौन सा प्लेयर आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा प्लेयर आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो पैसा आप अपना खुद का लगाओगे, मेरा तो लगाओगे नहीं, किसी चैनल का पैसा तो लगाओगे नहीं, तो पैसा जब हमारा खुद का है तो कॉल भी हमें खुद का लेना चाहिए। इसलिए आप लोगों को इतनी सारी वैल्यू यहाँ पर बताई हुई है कि आप सब कुछ समझो और ग्रैंड लीग से लेके स्मॉल लीग तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा करो। ये गाइस कॉमन मैच है काफ़ी, यहाँ पर ग्रैंड लीग में आप अच्छा कर सकते हो अगर आपके दिमाग में कुछ सिचुएशंस है, जैसा मैंने बताया है। अगर आप ऐसी सिचुएशंस पे सोच रख के टीम्स बनाते हो, कॉम्बिनेशंस बनाते हो, तो आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में अच्छा कर सकते हो। और एक अच्छी चीज़ आप लोग बताऊँ, कोशिश करना जो मैं आपको गिवअवेज वाले प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ सारे, इन पे ग्रैंड लीग ज्वाइन करने की। बिकॉज इन पे अगर आप ग्रैंड लीग ज्वाइन करते हो तो आप हमेशा ये सोचो कि एक मैच से अगर आप 20-50 हज़ार भी कमा लेते हो तो वो कोई बुरे नहीं है। अगर आप ड्रीम इलेवन पे 55 लाख, 60 लाख, 80 लाख लोगों में खेल रहे हो और वहाँ से आप सोच रहे हो हम 1 करोड़ जीत लेंगे, 10 लाख जीत लेंगे, तो आप सोचो आपको 80 लाख लोगों को हराना है। लेकिन अगर आप जो मैं प्लेटफॉर्म्स आपको नीचे दूंगा उन पे अगर आप खेलते हो, स्पेशली ये विजन 11 और बैटबॉल 11, इन पे जो ग्रैंड लीग्स आती हैं इनमें 15,000 लोग होते हैं और फर्स्ट प्राइज़ होता है 1 लाख रुपया और लीग का प्राइस पता कितना होता है, 30 रुपये। तो आप सोचो कि आप यार एक मैच से अगर 20,000 भी मैं कह रहा हूँ कमा ले रहे हो ग्रैंड लीग से, तो क्या बुरे हैं वो 20,000। आप उसमें से 10,000 निकाल लो अपने खर्चे के लिए और 10,000 पड़े रहने दो, उससे खेलो 2-3 मेंबर, कितना सुकून से आप खेलोगे। तो इसलिए आप नीचे जो प्लेटफॉर्म्स में दे रहा हूँ उस पर साइन अप कर लेना और देखना आप सारी मिनी ग्रैंड लीग्स वहाँ पर देखना, कंपेयर करना, जो अच्छी लगे वो आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।